अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अब जैसे कि आप सबको पता है कि वापस जाने की जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं। अभी जाना शॉपिंग के लिए, क्योंकि ना हुसैन का जो है वो जम्पोलिन ऑर्डर की हुई थी, कुछ और ज़रूरी ज़रूरी काम थे वो करने हैं। और जो है ना हयाम की और सकीना की बर्थडे भी आ रही है सेप्टेम्बर में, वो रबीउल अव्वल में करनी है। इनकी भी कोई थीम की फ्रॉक्स वगैरह कुछ चीज़ें लेनी है, जफर ने सबके लिए गिफ्ट्स लेने हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेने वाली हैं। अभी निकलते हैं, कुछ कुछ तैयारी करेंगे, कुछ घर के काम कराने हैं, क्योंकि घर में जो है वो कैमराज वगैरह इंस्टॉल करवाने हैं, तो वो भी पता करना है, वो भी क्योंकि हमारी कोशिश है कि आज ही जो है ना वो इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली घर हमने पाकिस्तान अपना रखना है, क्योंकि सब ने आना जाना होता है, तो रहने आके सारे मामले तो अपना घर होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी जाए रहें। तो अभी चलते हैं, कामों को कंटिन्यू करते हैं, कैमराज वगैरह का पता करते हैं, और जो जो फिर आज हम शॉपिंग करेंगे, गिफ्ट्स लेंगे, जो भी होगा वो डिटेल सारी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम आ चुके हैं जी बाजार। क्या क्या शॉपिंग करनी है? अभी जाना है ज्वेलर पे, फिर बच्चों के कपड़े। हाँ, एक गलती हो गई है, वो ये कि मैं फ़ोन घर से आएंगे। अच्छा। आप ना शान को फ़ोन करें, वो को दूसरी चीज़ें लेनी है, वो तस्वीरें आप आपको व्हाट्सएप कर दें। हाँ, बच्चों को अच्छे से प्रॉब्लम है, लेकिन एक दफ़ा इधर वाले काम कर रहे हैं ना छोड़ी गली वाली साइड पे, फिर वापस आ कर मैं कपड़े उधर से ले, इधर से और से बात कर लें, फिर उन्हें से देख लें। ठीक है। और अभी अभी रात को जो है ना जल्दी से भाग के आ गए हैं गाँव, क्योंकि अम्मा जी से मिलना था, सब फैमिली से मिलना था, और मेरी छोटी खाला की तरफ जो है वो अलविदाई खाना भी था, क्योंकि मैं सबको बहुत रोक रही थी, तो मुहर्रम है और सेकेंड ईयर जब जाने में बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन सबको था कि नहीं चलो इसी बहाने बैठेंगे, खाना इकट्ठे खाएंगे, तो अभी खाना भी खाने जाना है। और अभी अम्मा जी को मिलने पहले आए थे हयाम को, वो याद है यहाँ वीडियोज़ बनाते रहे हैं, वो इधर से जा ही नहीं रही है। चलें अब अम्मा जी को, अब आपने किचन देख ली है, किचन देखने आई है, जफर को भी ले आई है, मुझे भी ले आई है। चलें अब आप अगली दफा आना तो वो कहते हैं कुछ बनाए इधर ना। हाँ, कह रही है रोटियां कैसे बनाते हो, रोटियां कैसे बनाओगी, बना के दिखाओ। हाँ चलो, अभी जो है ना अम्मा जी इधर बनाए, अम्मा जी आग जला के रोटियां इधर ही बनाती हैं, बता रही थी मुझे कि गैस गुस चली जाती है तो इधर ही बनाती है। चले अब, चलो खड़ी हो खड़ी हो, ये तंदूर अब बंद हो गया, अगली दफा आके पकाएंगे हम चीजें। चलो छोड़ दो इसको, चलो अल्लाह से पहले खा रही है, चलो कुछ भी नहीं खाना तो है ना। अभी हम आ गए हैं जी मुनकसम की तरफ, और मेरी छोटी खाला अभी यहाँ जो है ना, यहाँ भी खाना है आज हमारा, अभी अलविदाई खाने जो है ना, हम सोच रहे हैं भाग भाग के फिर जो खाए जाते हैं खा लें। और खाने में हालांकि मैंने कहा था आपने एक चीज़ बनानी है, लेकिन इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया हुआ है, चिकन पुलाव बना हुआ है, साथ पकौड़े हैं, और स्पेशलिटी जो है ना मेरी खाला की, वो चिकन पकौड़ा बहुत ही अच्छा बनाती हैं, और आज चिकन पकौड़ा भी बना हुआ है, चलो खा के ही जाएंगे। साथ हैं जी सीख कबाब और चिकन कढ़ाई, आपने इसमें से क्या खाना है, और स्वीट में है साथ खीर, रोटियां हैं, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, खाना अब गरम गरम आ गया है। मुनकसम आपने क्या बनाया? मैंने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। मैंने क्या बनाया? बस सारा दिन क्या किया फिर? मोनी को तो नहीं ज्यादा मिस किया, करते हो मिस मोनी को? चले गए मुनीम, एक्चुअली चला गया सऊदी अरब, तो माशाल्लाह अल्लाह मियां उसे भी कामयाब करे। अभी हम खाएंगे खाना और फिर जो है निकलेंगे, फिर जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। हयाम आप यहाँ अपनी चेयर पे बैठ के, स्मक सा चेयर पे बैठ के खाना खाओ, बैठो उधर स्मक साथ। नहीं आज मैसी बनी हुई है ना, चलो बैठो ना उधर स्मक साथ बैठ के खाना खाएं। चलो शाबाश शाबाश, चलो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, और ना हमें गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, वो जाते हुए भी मिले थे, अब आए हैं तो फिर जाते हुए हमें गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो अभी मुनकसम की तरफ से छोटी बाली का, और ये है याम फातिमा का सूट है, ये वैसे ना आंटी ने अच्छा डिसीजन किया जो हमें सर्दियों के ले दी है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। ये बालिस की, अच्छा इनमें से एक बालिस की नाक है और एक है याम फातिमा, याम पकड़ भी ले, बहुत प्यारे कलर है। अच्छा मानो ये बड़ा है, ये याम हाँ खोल के वैसे देख ही लेते हैं। हाँ ये है याम फातिमा का, वो ये कितना प्यारा सूट है ये, हाँ मेरा ये बहुत प्यारा है। चलो स्कीना का हम नहीं खोलते, उसकी मामा खोल लेंगे। अभी मुझे अपना है, कहती मुझे ये हुसैन का, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू थैंक यू। अभी ना जरा हुसैन का भी खोल के हम देखते हैं, नहीं खोला ना, देखो ना उधर वालों के हमें मजे हो गए। हाँ बहुत प्यारे हैं, वो कलर भी बहुत प्यारे हैं,
सारी चीजें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिक्स पॉकेट पैंट है। हाँ बेहतरीन, हाँ बिल्कुल ठीक है साइज। अब हम आपको वहाँ हुसैन को पहना के ना फिर वीडियो बना के भेज जाएंगे। ये किधर पहन रही है? पहनी जा रही है नाल ला जरा शर्ट पहन लो मानो। अच्छा चलो ये लगा के चेक करिए साइज आपको ठीक है। हाँ अच्छा उसे पता है कि उस मुझे मिल रहे हैं, मैंने अपनी चीजें संभाल ला पैक करे ना स्पेन जाकर पहनेंगे सर्दियों में। लाओ लाओ पैक करे भाई, मैंने पैक करो तय करो पैक करे हम मिल गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी पैकिंग जो है ना काम शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी जो है ना दो बैग ये बनेंगे और यहाँ पे जो है ना हैंड कैरी रेडी हो गया। जफर और हयाम सो रहे, क्योंकि हयाम सोती है तो पैकिंग होती, वरना हर चीज़ जो है ना फाड़ के फारग कर देती है। यहाँ पे बच्चों के सब सप्लीमेंट्स पड़े हैं, ये सॉस पैन और ये जो है ना इसमें सारे जो है ना रुमाल किचन के चाय पोनियाँ सॉस पैन ये सब चीज़ें हो गई, बच्चों के सप्लीमेंट्स हो गए। यहाँ पे सब मिक्स चीज़ें हैं, जाय नमाज भी मैंने लेके जानी है अपनी भी हयाम की भी, ये सब चीज़ें हैं। हुसैन के कुछ शूज़ लिए थे यहाँ पे जो है ना, अभी हयाम का एक बैग पैक पड़ा है। असमा ये दिखाना ज़रा, ये पिंक वाला खोल के दिखाओ ज़रा, इसके अंदर एक बड़ी प्यारी सी चीज़ भी है। ये देखें जी बैकपैक के अंदर भी एक मेहमान है हमारा, तो ये ऐसे ही ले जाना है इस दफ़ा। और बाकी कुछ शॉपर अभी वो पड़े हैं, मेरे मग पड़े हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। अब ना ये हालात हैं कि जो कि ना इन दो बैग्स में हम लोगों ने एडजस्ट करने हैं, क्योंकि हैंड कैरी रेडी हो गया। हुसैन का जो है ना जंपलिन वो एक में चला जाएगा। अभी ये जो सब झूले हैं ये सारे पैक करके रख के जाने हैं, लेकिन ये अब ऊपर ही जाएंगे, इन्हें कवर करेंगे। अभी सारी पैकिंग कंप्लीट करके ना तो फिर इन सब चीज़ों को संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अभी हम दोबारा जो है ना सुबह सो के उठ चुके हैं, और यह है कि रात मैंने पैकिंग काफ़ी कंप्लीट की थी, मुझे सुबह 7 बज गए पैकिंग करते करते। पूरे घर में सामान था जो पैक करना था, अभी 3 बैग पैक हो चुके हैं, जंपोली ने अलग रख ली है, लेकिन अभी ना मुझे सामान मेरा काफ़ी बाइट पड़ा है, देखिए क्या होता है। लेकिन अब मेरे सर में ना शदीद दर्द है, जो 3 घंटे सोए हैं और अभी, लेकिन काम इतने सारे कम्प्लीट करने वाले हैं आज का दिन है। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, जो इंसिडेंट पहले सूरत वाला हुआ आने वाला, मैं अभी साइड पे क्लिप भी चला दूंगी ताकि सबको आइडिया रहे कि घर में इस तरह से कौन आता है। कल से हमें फिर एक औरत ने इतना तंग किया हुआ, इतना तंग किया हुआ, एक बेल से हाथ नहीं उठाया। दूसरा ये देखिए अननोन, जो अगर तो कोई कांटेक्ट कर कहते हैं मुझसे सब मिलने का कहते हैं, मैं भी सबसे कहती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, मीटअप होगा। अभी मुहर्रम आ गया, सारे मामला हो गए, मेरा प्लान है अभी कि इंशाल्लाह ताला जो है ना हम लोगों ने अभी मेरा 100K हो जाएगा जब मैंने नेक्स्ट आना है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ा मीटअप प्लान कर रहे हैं जिसमें यूट्यूबर्स को भी बुलाएंगे, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा लोगों को हम बुला सके उन्हें भी इनवाइट करेंगे। लेकिन अभी मेरे दोबारा वापस आने पे होगा, आपको पता है अचानक जफर की जो है वो घर की इंक्वायरी आने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं शायद अपनी सेलिब्रेशन वगैरह 100K की रबी लेवल में करके ही जाती। लेकिन ये सब कुछ नेक्स्ट टाइम होगा। जो जो लोग जिन जिन लोगों ने अपनी चाहत का इजहार किया, मिलने का कहा, उनसे मैं ज़रूर मिलूंगी, उन्हें मैं अपने मीटअप पर खुद इन्वाइट करूँगी। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा उठ के इस तरह से आएगा, फिर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे महल्ले वाले रात भी बोल रहे थे मुझे, वही कहते थे कि आप अब एक वीडियो बनाएं, आप सबसे कहें ना आया करें, आप यूट्यूब पे हैं, हम सब नहीं हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियाँ, फिर वो लोगों के घरों में भी उन्होंने बैल्स नहीं, किसी से पानी मांग, किसी से खाना मांग। असमा अकलमंद रही, हम बाजार थे,
अस्मा को, क्योंकि हमें तो फिर मैं अस्मा की अक्सर बात पे बिलीव भी नहीं करती, छोटी बच्ची क्या, उसने वो इतनी सियानी रही, इसने सिर्फ क्लिप बना लिया ऊपर से कि मैं बाजी को दिखाऊंगी कि कौन आया। तो बहरहाल खुदारा प्लीज़, जब तक आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता, जब तक आपको हम खुद ओके नहीं करते, ना आया करें, क्योंकि अक्सर औकात हम लोग घर नहीं होते, फिर बाहर बेल्स नहीं, आप लोग परेशान हो, महल्ले वाले सारे परेशान हो, सेकेंड एक अननोन औरत आ जाए, औरतें ही आती हैं खैर सारी, अननोन औरत आ जाती है, जैसे वो उन्होंने इतना, ये आप देख रहे कि वो ना अथम पाई जो है ना, गुत्थम गुत्था होने से भी नहीं रही गार्ड्स के साथ, हमारे साथ वाले लेबर के साथ, औरतों को वैसे भी ये चीज़ें सूट नहीं करती अकेले इस तरह से आना, अननोन होना। और हकीकत बात है, कोई भी अननोन आएगा इस तरह जिसे हम नहीं जानते, या बिल्कुल फर्स्ट टाइम था मुझे, क्योंकि कॉमर्स में पढ़ती मुझे सब याद होता है, अगर कोई भी अननोन होगा तो हम उससे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको पता है पहले उस औरत वाला मसला हुआ, वो भी लूट मार के हिसाब से हमारे घर आए हुए थे, ठीक है ना। तो अब आप ये देखें कि हम कैसे किसी अननोन बंदे से मिले कि हम आपको अंदर बिठा लें, आप बाहर से किसी और को बुलाती रहे, और उन्होंने भी हमें पूरे सब ने बताया, सारी तीनों चारों फैमिलीज ने, कि वो भी फ़ोन पे बात कर रही थी, हमारे घर की वीडियो बना के ले गई, उन्होंने क्या कुछ किया, हमने कैमरे लगवा दिए हैं, हमने गार्ड को 24 घंटे के लिए अपने घर में जो है ना वो हायर करके रख लिया, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन खुदारा प्लीज़ इस तरह घर ना आए, हमारे लिए सोसाइटी में मसला बन रहा है, हमारे लिए मोहल्ले में मसला बन रहा है, और कोई अननोन इंसान होगा उस पर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, ना इस तरह से मिलेंगे कि अंदर आके हमारे साथ क्या करें। जो 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 लोग मुझे मिलना चाह रहे थे, जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है, वो मैं एक मीटअप रखूँगी, मैं सबको इन्वाइट करूँगी, हम सबसे मिलेंगे, 100K की सेलिब्रेशन आप सबके साथ होगी, जल्दी जल्दी 100K करवा दें, फिर इंशाल्लाह सबसे मुलाकात होगी। बाकी प्लीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम वही औरत पर उठी, वो नमाज भाई की तरफ भी, कल हमारे घर और आज रोने धोने वाले हालात उस औरत ने बनाए हुए थे, पूरे मोहल्ले में बैलेंस दे दे के, बच्चे नहीं सोते, तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।